योगी मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला टीचर बर्खास्त। विधानसभा चुनाव में सपा के समर्थन में की थी रैली, 4 महीने से था सस्पेंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक अजीत यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। अभी तक वे निलंबित चल रहा था। अजीत यादव पर विधानसभा चुनाव में सपा के समर्थन में प्रचार करने का आरोप है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अजीत यादव प्रयागराज में कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा बहरिया में तैनात थे। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि शिक्षक की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। तहरीर में आरोप है कि निलंबित शिक्षक ने लोक सेवक होते हुए भी राजनीतिक दल के लिए जनसंपर्क, जनसभा और प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा देश के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। मामले की जानकारी बीएसए ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी दे दी है। उन्हें एफआईआर की कॉपी भी भेज दी गई है। विधानसभा चुनाव के समय अजीत यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो हड़कंप मच गया। 5 मार्च को इस मामले का संज्ञान लेने के बाद प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने आरोपी शिक्षक से 24 घंटे के अंदर तलब कर लिया। अजीत यादव ने स्पष्टीकरण का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद बीएसए ने शिक्षक अजीत यादव को 12 मार्च को निलंबित कर दिया था, अब बर्खास्त कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई के बाद अजीत यादव ने बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। अजीत यादव ने अपने फेसबुक लाइव में कहा था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे ही मुझे स्कूल न जाने की छूट दिए थे। बीएसए खुद 10 साल तक शिक्षक रहे और कभी भी स्कूल जाने में विश्वास नहीं किए। अजीत यादव ने बीएसए पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अजीत यादव ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की थी, इसे जबरदस्ती हाईलाइट किया गया। सपा सरकार में भी अपने अधिकारों के लिए लड़े थे, सफलता मिली या नहीं ये बात अलग है। अगर मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी की है तो मुझे खेद है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद मेरा निलंबन किया गया, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोग प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में जानते होंगे। मिर्जापुर में तैनाती के दौरान इसी सरकार में MDM घोटाला हुआ था, जिसमें प्रवीण कुमार तिवारी को निलंबित किया गया था। वहां बच्चों को नमक और चावल खिलाया जा रहा था, मानक के अनुरूप नहीं खिलाया जा रहा था। वहां बीएसए निलंबित हुए, उसकी जांच चल रही है। जौनपुर में भी घूस का एक प्रकरण सामने आया था। अगर बीएसए मेरे खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं तो मैं भी उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कराकर ही मानूंगा। जांच अधिकारी ने 4 मई और 2 जून को आख्य दाखिल करके ये जानकारी दी थी कि शिक्षक पर लगे आरोप सही साबित हुए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बावजूद शिक्षक ने एक राजनीतिक दल का प्रचार किया, इसके साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी किया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है। पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ ही पार्टी विशेष का प्रचार करने के मामले में कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा बहरिया के शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया। दरअसल बर्खास्त शिक्षक इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुका है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने 5 मार्च को आरोपी शिक्षक अजीत यादव से स्पष्टीकरण की मांग की थी। शिक्षक की ओर से स्पष्टीकरण ना देने पर 11 मार्च को निलंबन का आदेश जारी किया गया। मामले की खंड शिक्षा अधिकारी कौड़ीहार ओम प्रकाश मिश्रा से जाँच कराई गई थी। जाँच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। प्रयागराज के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा बहरिया में तैनात रहे शिक्षक के खिलाफ आरोप लगने के बाद लिखित स्पष्टीकरण 2 दिनों में मांगा गया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद 11 मार्च को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया था। इसके जाँच खंड अधिकारी कौड़ीहार ओम प्रकाश मिश्रा दी गई थी। मामले में जाँच पूरी होने के बाद आरोपी सही सिद्ध होने पर सेवा की समाप्ति कर दी गई। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।